अजय, घर में आटा खत्म हो गया है। मैं 4 दिन से मांग मांग के बना के रोटी दे रही हूँ तुम्हें। प्लीज आज पोटली पिसा लाओ। नहीं, आज और वहां कांजी के यहाँ से मांग लाओ। बाबूरा बोलना बोलना, तेरे को कौन सी सीक्रेट चाहिए बोलना। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा भाई। कात्या जी, ये दरअसल ये कहता है कि इसको बीड़ी नहीं पीना, अब सिगरेट पीना है। बाबा, ये औरत यहाँ पे क्यों बैठी रहती है? मैं पिछले 10 दिन से इसे देख रही हूँ। बेटा, इसके बेटे इसको बोल के गए हैं कि माँ, हम तुम्हारे लिए गुलाम जामुन लेके आएंगे, और अभी तक आए नहीं। ये उसी की आस में यहाँ बैठी है। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ, जिसने आज तक बीड़ी ही बीड़ी पी है और कोई उसे सिगरेट ऑफर कर दे तो उसकी तो लाइफ ही बदल जाती है। सनी जी, आपने मेरी लाइफ बदल दी। सनी जी, मैं यहाँ का बड़ा नेता हूँ, और सिगरेट के अलावा तो बीड़ी पीता ही नहीं हूँ। फॉरेस्ट का ब्रिस्टल और कैवेंडर के अलावा दूसरी सिगरेट ला के मत दीजिएगा। अब जाइए यहाँ से और सिगरेट मेरे लिए लेके आइए। चल बता साले, फॉरेस्ट का कितने रुपए की आती है? नहीं मालूम। बता ब्रिस्टल कितने की आती है? नहीं मालूम। बता कैवेंडर कितने की आती है? नहीं मालूम। साले, तुझे ब्रिस्टल का रेट नहीं मालूम, केवेंडर का रेट नहीं मालूम, फरस का रेट नहीं मालूम, और बोलता है मुझे सिगरेट चाहिए। क्या कोई नहीं जो इस शान के पिछवाड़े में फटाका फोड़ सके? अरे मैडम, मैं इसके पिछवाड़े के साथ साथ आपके पिछवाड़े में भी फटाका फोड़ सकता हूँ, देख लो आप। माँ, पिताजी कैसे मर गए? बेटा, तेरे पिताजी दूसरों के ऊपर फटाके फोड़ते थे, फिर किसी ने उनके पिछवाड़े के नीचे फटाका फोड़ दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। कात्या, आइंदा से अगर तूने दूध देने से मना किया तो तेरे और तेरे भाई के पिछवाड़े में फटाका फोड़ दूंगा। रात को तुमने मेरे पिताजी की चड्डी में फटाके रखे थे? हाँ रखे थे। क्यों रखे थे तुमने? मेरा मन था इसलिए। तुम्हें पता है उस फटाके से मेरे पिताजी का पिछवाड़ा फट गया। नहीं, तुमने पिछली बार भी बिस्तर में फटाका रखा था और बोला था कि तुम्हारे पिछवाड़े में नहीं फटेगा, लेकिन फट गया। अब क्यों रख रहे हो? देखो मेरा विश्वास करो, अब नहीं फटेगा, वो पिछली बार गलती से फट गया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नए वीडियो पाने के लिए हमारी बेल प्रेस आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।